मियामोतो मुसाशी एक महान जापानी स्वॉर्ड्समैन, आर्टिस्ट और एक फिलोसोफर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 61 लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन उनमें से एक भी लड़ाई वो कभी नहीं हारे, क्योंकि वो बहुत ही फोकस्ड और सेल्फ डिसिप्लिन समुराय थे। लेकिन इस वॉरियर ने इतनी लड़ाइयां लड़ने और जीतने के बाद आखिर में खुशी से शांति और अलोननेस का पाथ चुना और अपने आखिरी दिनों में वो एक गुफा रिगांडो में रहने चले गए, जहां मुसाशी ने अपनी विजडम और लाइफ फिलोसफी को लिखना शुरू किया और यही आगे चल के उनकी किताब दकोडो बनी, जिसका मतलब है द पाथ ऑफ अलोननेस, जिसमें उन्होंने 21 लाइफ रूल शेयर करे हैं जिन्हें जानना हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मुसाशी के विजडम को आज भी प्रेशियस एंड हेल्पफुल माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल विजडम है। दोस्तों, हम आपको इन रूल्स को आज के लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बताएंगे ताकि आप इन्हें अच्छे से और आसानी से समझ सके। एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखो और वैसे ही एक्सेप्ट करो, बजाय ख्याली दुनिया में जीने के या झूठ को सच मानने के। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो और एक रियलिस्टिक पर्सन बनो। अपनी सिचुएशन और लाइफ को वैसे ही देखो जैसी वो है, बजाय उस तरीके से देखने के जैसा आप देखना चाहते हैं। अगर आप असल सच्चाई को नहीं देख सकते तो आप एक झूठ ही जिएंगे, लेकिन अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसा करना आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको उस रास्ते पे चलने के लिए अंदरूनी शक्ति देगा। मुसाशी ने भी कड़वी रियलिटी को एक्सेप्ट करा, फिर खुद को उस हिसाब से ट्रेन करा और तभी वो एक महान वॉरियर बने। Do not seek pleasure for its own sake. अगर हिस्ट्री में आज तक देखा जाए तो वही लोग महान बने हैं जिन्होंने कॉमन प्लेजर्स को सेक्रीफाइस किया है कोई बड़े लाइफ पर्पस के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ के बिगर पर्पस या गोल को साइड में रख के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर्स को ही एंजॉय करता रहता है तो उसकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि वो अपने इमोशंस और प्लेजर्स को खुद पे हावी होने देता है। तभी कई लोग एक मिजरेबल लाइफ जीते हैं। तो अगर आप सिर्फ आज का मजा देखोगे तो आपका यही आज का मजा कल आपकी सबसे बड़ी सजा बन चुका होगा और आप फ्यूचर में रिग्रेट करोगे। तो फालतू के प्लेजर्स को ना बोलो और पेन और सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करो। डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। हमारी फीलिंग्स या इंट्यूशंस हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन अगर यही फीलिंग्स सॉलिड ना हो या आप श्योर ना हो तो यही फीलिंग्स हमें इधर से उधर भटकाती हैं और इस दौरान हम अपने मेन गोल या पर्पस के सफर से ऑफ ट्रैक भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो और उसके लिए आपकी फीलिंग्स पार्शियल यानी अधूरी हैं, तो यहाँ आपको अपनी फीलिंग्स की नहीं बल्कि अपने लॉजिकल माइंड की सुननी चाहिए। थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। अधिकतर लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं और दूसरों या दुनिया के बारे में कम। खुद के लिए सोचना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमेशा सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना और खुद को इस सेंटर ऑफ फोकस बना के रखना, ये प्रॉब्लम है। अगर आप मोस्टली अपने ओपिनियंस और माइंडसेट को ही सही मानते हो तो असल में आप एक क्लोज्ड माइंडेड पर्सन बन जाते हो, जो खुद को बाकियों से अलग समझता है और खुद की लाइफ को बाकियों से ज्यादा स्पेशल। बल्कि रियल विजडम दुनिया को जानने से मिलता है, ना कि एक नैरो माइंडसेट या सिर्फ खुद पे फोकस करने से। बी डिटैच्ड फ्रॉम डिजायर योर होल लाइफ लॉन्ग। लाइफ में एक गोल या डिजायर होना जरूरी है, लेकिन जब आप खुद को अपनी लाइफ को और अपनी वर्थ को उस डिजायर से अटैच कर लेते हो तब आप अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं बल्कि आपके डिजायर्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। तभी कुछ लोगों के यही डिजायर्स उनसे गलत काम तक करवा देते हैं, या फिर कई लोग अपने आज में बहुत ही परेशान होकर जीते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो अपने डिजायर्स को पा लेंगे तब ही वो खुशी से जी पाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में बड़े गोल्स और एम्स को सेट करो, लेकिन उनसे अटैच मत हो बल्कि अपने डिजायर्स से खुद को डिटैच रखो। Do not regret what you have done. Regret और पछतावा एक जहर की तरह होता है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खत्म करता जाता है और जो सेल्फ डाउट, फेलियर्स, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का भी कारण बनता है। अगर आप बार बार अपने पास्ट में झांकते रहेंगे कि आपने क्या गलत किया और आपको क्या नहीं करना चाहिए था, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका सारा फोकस इस बात पे होगा कि क्या नहीं करना चाहिए था, बजाय इस पे फोकस करने के कि आपको अभी क्या करना चाहिए। गलती हुई है तो खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। सेल्फ सबोटाजिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेवर बी जेलस। हमारी सोसाइटी में हमें बचपन से ही एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है और लोग उसे ज्यादा सक्सेसफुल या अच्छा मानते हैं जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा होता है, और यहीं से कंपैरिजन और जेलसी की शुरुआत होती है। जब लोग दूसरों की ग्रोथ या हैप्पीनेस से जलने लगते हैं ये सोच करके कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। अगर आप भी खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, लेकिन वही टाइम और एनर्जी अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पे लगाओगे तो तभी आप ग्रो कर पाओगे। नेवर लेट योरसेल्फ बी सैडन बाय अ सेपरेशन। मुसाशी कोई एक जगह ही नहीं रहते थे बल्कि वो अलग अलग जगहों पर रहते थे और फाइट करते थे, लेकिन वो ना ही एक जगह पर टिके रहते थे और ना ही किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते थे। अगर वो प्लेस या लोगों से अटैच्ड हो जाते तो मुसाशी को उन्हें छोड़ के जाने में बहुत दुख होता। लाइफ में आप भी काफी लोगों से मिलोगे और कई जगह एक्सप्लोर भी करोगे, लेकिन आपको किसी से भी ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए ताकि जब आपको उनसे बिछड़ना पड़े तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो।
रिसेंटमेंट एंड कंप्लेंट आर अप्रोप्रिएट नीदर फॉर वनसेल्फ और अदर्स। हमें ना ही खुद के बारे में और ना ही दूसरों के बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कंप्लेंट्स करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि एक शांत और सुलझे माइंड से ही समस्याओं का हल निकलता है। क्योंकि जो इंसान अपनी हर प्रॉब्लम के लिए चीजों, सिचुएशंस, दूसरे लोग, भगवान और किस्मत को दोष देता है, वो बस कंप्लेंट से करता रहता है। वो पर्सन अंदर से टॉक्सिक, नेगेटिव और वीक ही बनता जाता है। दूसरों के बारे में बुरा सोचना हमें ही अंदर से बुरा बनाता जाता है। Do not let yourself be guided by the feeling of lust or love. कोई भी चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। हद से ज्यादा किसी भी चीज को करना डेंजरस ही होता है। तो जो भी चीज आपको कमजोर बनाती है, आप पर हावी हो जाती है या आपको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, तो वो चीज आपको ऐसा पर्सन बना देती है जिसे एक वक्त के बाद सही और गलत भी नहीं दिखता। अब चाहे वो चीज लस्ट हो या फिर लव ही क्यों ना हो, हर एक चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन अगर आपको उसके डिसएडवांटेजेस की भी आदत हो जाती है, तो आप खुद का और अपनी लाइफ का ही नुकसान करते हो। तो चाहे कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन किसी के भी साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो, या इवन लव हो या लस्ट, उसे खुद पे हावी मत होने दो, उसके स्लेव मत बनो। इन ऑल थिंग्स हैव नो प्रेफरेंसेस। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें आपने बोलते हुए सुना होगा, यार मैं तो यही कहूंगा, यार मैं तो ऐसा ही करता हूं, मैं तो यही प्रेफर करता हूं। तो उम्मीद है आप उस वक्त सोचते होंगे कि यार इसके कितने नखरे हैं, यार कैसा बंदा है ये, इसे सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस पॉइंट का भी यही मतलब है, आपको एक फिक्स्ड या क्लोज्ड माइंडसेट वाला पर्सन नहीं बनना जो बस वही करता है जो वो प्रेफर करता है। आपको फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल सको। बी इनडिफरेंट टू वेयर यू लिव, पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। तो हमें खुद को किसी जगह और प्लेस से अटैच करके जज नहीं करना चाहिए। आप जहाँ रहते हो वही आपका हमेशा के लिए एक फिक्स प्लेस नहीं होना चाहिए। आपको जिंदगी को, दुनिया को और खुद को समझने के लिए अपने एक फिक्स और पुराने एनवायरनमेंट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, आप जिस वक्त जिस जगह पे हो उसके बारे में कंप्लेंट्स भी नहीं करनी चाहिए। उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन उससे अटैच ना हो। नई जगह एक्सप्लोर करना और कहीं पहुँचना जारी रखो। डू नॉट परस्यू द टेस्ट ऑफ गुड फूड। फूड हमारे सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर यही फूड हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं और इस पे डिपेंड होने लगते हैं, तो यही हमारी हेल्थ और बॉडी का एनिमी भी बन जाता है। अगर आपको अपनी हेल्थ की फिक्र है, तो आपको सिर्फ वो नहीं खाना चाहिए जो सिर्फ आपके टेस्ट के लिए अच्छा हो, बल्कि आपको वो खाना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो और आपको हर दिन के लिए एनर्जी दे। डू नॉट होल्ड ऑन पोजेशंस यू नो लॉन्गर नीड। शुरुआत में आप चीजों को ओन करते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीजें आपको ओन करने लगती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है या आपके काम की ही नहीं है, लेकिन आपको इकट्ठा करके रखने की आदत है, तो वो चीजें फेंक दो या किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दो। चीजों को ना छोड़ पाना आपकी अटैच्ड मेंटालिटी को शो करता है। आपको एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजों को लाइफ से हटा देना काफी हल्कापन महसूस करवाता है। डू नॉट एक्ट फॉलोइंग कस्टमरी बिलीफ्स। जो लोग वो चीजों को फॉलो करते हैं जो ट्रेंड में है, या जो वही करना पसंद करते हैं जो वो किसी और को भी करते हुए देख रहे होते हैं, बिना ये डीपली सोचे कि क्या उनके लिए ये लॉन्ग टर्म में सही है, वो लोग भेड़ चाल का हिस्सा होते हैं। इनकी खुद की कोई सोच और कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो आपको किसी को देख के ना ही कुछ करना चाहिए और ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होके। आप वही करो जो आपके लिए असल में लॉन्ग टर्म के लिए सही है। डू नॉट कलेक्ट वेपन्स और प्रैक्टिस विद वेपन्स बियॉन्ड व्हाट इज यूजफुल। मुसाशी एक सैमुराई थे, तो वो वेपन्स की बात तो करेंगे ही, लेकिन इस पॉइंट से रिलेट करने के लिए आप अपने मॉडर्न डे टूल्स को भी अपने वेपन्स की तरह ही समझ सकते हैं। जरूरत से ज्यादा टूल्स होने से आप ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा बेटर परफॉर्मर नहीं बन जाते। तो आपको उतने ही टूल्स कलेक्ट करने चाहिए जितने की आपको जरूरत है। मुसाशी सिर्फ दो तलवारें रखते थे, सिर्फ प्रैक्टिस और लड़ाई के लिए। उनसे खेलना उन्हें पसंद नहीं था। तो आज के टाइम में फोन्स को सबसे ज्यादा पावरफुल टूल माना जाता है, जिसे कुछ लोग सिर्फ खेलने के लिए यूज करते हैं और कुछ आप जैसे भी हैं जो कुछ न्यू नॉलेज लेने के लिए और ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। डू नॉट फियर डेथ। डेथ एक कड़वा सच है जिसके साथ हम सभी को जीना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी डेथ के बारे में सोचने से डरते हैं, जबकि सैमुराई और वॉरियर ऑलमोस्ट अपनी जान दांव पे लगा के लड़ते थे। तो अगर आप अपनी डेथ से डरते नहीं, तो ऐसा सोचना ही आपको काफी इनर पावर देता है और आप तभी लिमिटलेस और फियरलेस बन पाते हो। Do not seek to possess either goods or thieves for your old age. ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ चीजें कलेक्ट करने में लगा देते हैं, सिर्फ ये सोच के कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये चीजें मेरे काम आएगी। अब हर किसी का बुढ़ापे तक जीना फिक्स तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कई बार जरूरत से ज्यादा अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ने लगते हैं। इसी मेंटेलिटी की वजह से लोग अपने आज में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनकी सारी बेटर प्लानिंग बुढ़ापे तक के लिए होती है, जब उनके अंदर उन चीजों को एंजॉय करने तक की एनर्जी नहीं होगी। रेस्पेक्ट बुद्धा एंड द गॉड्स विदाउट काउंटिंग ऑन देयर हेल्प। अगर आप भी बुद्धा, गॉड या किसी हायर पावर में विश्वास रखते हो तो बहुत अच्छा है,
लेकिन आप उनसे अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए शक्ति मांगिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प नहीं। आपको अपने गॉड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी लाइफ और एक्शंस के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए और खुद ही कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने गॉड के लिए एक लायक बच्चा बनना है, ना कि एक भिखारी जो सिर्फ मांगता ही रहता है, खुद मेहनत नहीं करता। यू मे अबैंडन योर ओन बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर। आप अपनी बॉडी को अबैंडन कर दोगे, लेकिन आपको अपने ऑनर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो आपको हमेशा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपका ऑनर और रिस्पेक्ट बनी रहे, सिर्फ दूसरों की नजरों में ही नहीं बल्कि खुद की नजरों में भी। कुछ लोगों को लोग उनके मरने के बाद भी याद रखते हैं। उन्हीं में से एक मियामोतो मुसाशी भी थे, जिनका ऑनर और रिस्पेक्ट आज भी जिंदा है, तभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसी वैल्यूज रखो जिससे आपका ऑनर और रिस्पेक्ट बनी रहे। नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे। एक वॉरियर और सैमुराई का लाइफ में एक पर्पस होता है, तो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा ही कोई गोल या पर्पस है, तो रास्ते में आने वाली छोटी या बड़ी मुश्किलों से रुकना नहीं है, आपने बस उनका सामना करना है अपना पर्पस और इंटेंशन दिमाग में रखते हुए। अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस या काम के लिए ही आप बने हो, तो बस उसे फॉलो करते रहो। डिस्ट्रैक्शंस और ऑब्स्टिकल्स पार्ट है रास्ते का, और उन्हें पार करके आगे बढ़ते जाना आपका कर्म। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।